टीम इंडिया के लेजेंड बैट्समैन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से दूर हुए सालों हो चुके हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले इस दिग्गज ने 2013 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया, जिसके बाद से वो लगातार क्रिकेट से दूर हैं। हालांकि वो बीच बीच में कोई T20 टूर्नामेंट खेल लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से तो उन्होंने क्रिकेट से काफी दूरी बना ली है। इसी बीच मास्टर ब्लास्टर एक बार फिर से मैदान में लौट रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड क्रिकेट के वो दिग्गज क्रिकेटर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना बंद कर दिया है, वे फिर से मैदान में नजर आएंगे, जिसमें टीम इंडिया के लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर भी खेलेंगे और वो इंडिया मास्टर्स को लीड करेंगे। अगले महीने इंडिया में इंटरनेशनल मास्टर्स लीग की शुरुआत हो रही है, जिसमें क्रिकेट जगत के कई बड़े प्लेयर्स खेलते हुए नजर आने वाले हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ ही वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा, साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन के अलावा इंग्लैंड के ओएन मोर्गन और श्रीलंका के कुमार संगकारा जैसे प्लेयर्स का जलवा देखने को मिलेगा। इस लीग की शुरुआत 17 नवंबर से होगी, जिसका पहला मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा। इस टूर्नामेंट के 4 मैच मुंबई, 6 मैच लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो वहीं लीग के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में कुल 8 मैच खेले जाएंगे। इस लीग के टोटल 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें इंडिया मास्टर्स की कैप्टनसी सचिन तेंदुलकर करेंगे। तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया मास्टर्स के कैप्टन शेन वॉटसन, श्रीलंका मास्टर्स को कुमार संगकारा लीड करेंगे। तो वहीं साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी जैक कैलिस, तो वहीं वेस्टइंडीज मास्टर्स का नेतृत्व ब्रायन लारा और इंग्लैंड को ओएन मोर्गन लीड करेंगे। इस टूर्नामेंट का स्क्वाड जल्दी सामने आएगा, तो आपका इस लीग को लेकर कितना एक्साइटमेंट है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।